हाय गाइस, मैं हूँ मेघा एंड वेलकम टू माय चैनल पॉकी बेक जिंदी, जहाँ बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड मॉमी टॉक्स। एंड गाइस, आज का जो वीडियो है इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड बिकॉज आई एम गोइंग टू गोवा फॉर वन फुल वीक। येस, आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन और मैं जो हूँ अपना सारा मेरा सामान जो है तैयार है, पीछे मेरे ट्रॉली बैग तैयार है और मैं बस पैक करने वाली हूँ सारा सामान। सो आई थॉट लेट मी मेक अ वीडियो ऑन व्हाट आई एम पैकिंग फॉर माई बीच वेकेशन, बिकॉज मे बी आप लोगों में से भी बहुत लोग जा रहे हों बीचेस पे एंड यू वंडर कि क्या पैक करना चाहिए क्या नहीं। सो आई विल टेल यू ऑल मैं क्या पैक कर रही हूँ। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप, मैंने अपनी हेयर वॉश कर लिए, ऊपर टाई कर दिए, आई डोंट हैव टाइम। मैं जो है जल्दी से सारा सामान पैक करूंगी एंड देन स्ट्रेटन करूंगी अपने बाल एंड देन टुमारो आई विल लीव। बट जाने से पहले आई वॉन्टेड टू शूट दिस एंड पोस्ट इट ऑन द चैनल। सो गाइज, सबसे पहले लेट मी टेल यू द क्लोथ्स दैट आई एम कैरिंग फॉर द वेकेशन। सो गोवा में अभी जो टेम्परेचर दैट इज़ अराउंड 27, इट इज़ अ क्वाइट अच्छा वाला टेम्परेचर है बिकॉज यहाँ जो है दिल्ली में तो ओ गॉड रशिया बना हुआ है इस बार, तो दिल्ली इतनी ज़्यादा ठंड है, आई डोंट नो क्या हो रहा है, मतलब बर्फ़ पड़ने की देर है बस। सो गोवा में अराउंड 27 डिग्री है विच इज़ वेरी प्रेजेंट वेदर, तो मैं कैरी कर रही हूँ शॉर्ट्स। आई लव टू वेयर शॉर्ट्स और मैं कैरी कर रही हूँ इस टाइप के शॉर्ट्स। आई गॉट सम न्यू स्टफ़, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कुछ मैंने नया स्टफ़ मंगाया फॉर माई वेकेशन। सो दीज आर द शॉर्ट्स फ्रॉम मैंगो, वेरी वेरी लूज हाई वेस्ट कम्फर्टेबल शॉर्ट्स। अगर आपकी भी मेरी तरह मम्मी टमी है एंड यू वांट टू यू नो बी कम्फर्टेबल बट ऑल्सो बी स्टाइलिश ऑन द बीचेस, तो आप इस तरह के शॉर्ट्स लीजिए बजाय कि वो जो स्किन फिट शॉर्ट्स होते हैं। सो दीज विल लाइक लुक वेरी स्टाइलिश एंड एज वेल एज आपका टमी भी छुप जाएगा। सो आई लव दीज आर फ्रॉम मैंगो। मैंने रिसेंटली मिंत्रा से शूट जो है बहुत सारा सामान लिया था जब उनकी EORS सेल चल रही थी, तो मैंगो पे 50-60% ऑफ मिल गया। सो आई गॉट दिस, मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक दिस विल लुक लवली ऑन द बीचेस। एंड इसके अलावा आई गॉट दीज शॉर्ट्स अगेन बिल्कुल लूज फिट स्टाइल में एंड ये मैंने लिए हैं H&M से। मैं जो लिए हैं कुछ के लिंक्स आई विल ट्राई टू लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो अभी है अवेलेबल, बट कुछ मेरा पुराना स्टफ है सो आई विल जस्ट पुट लिंक्स जो भी मुझे मिलेंगे। ओके, सो दीज आर द शॉर्ट्स। ये जो शॉर्ट्स है ना गाइज, जो बहुत ही लूज और हाई वेस्ट होते हैं, इस पर आप कभी भी लूज फिट टी शर्ट मत पहनना, इस पहनना क्रॉप टॉप्स। सो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं दिखाती हूँ फर्स्ट टाइम कीपिंग द शॉर्ट्स। और एक शॉर्ट मैंने अभी मंगवाया है फ्रॉम H&M। सो मुझे अभी भी कोई भी अभी भी मुझे ना कोई भी फिटिंग का शॉर्ट जो है उसमें मेरी टमी दिखती है। आई स्टिल हैव अ लॉट टू लूज ऑन द बेली, बाकी सब तो मेरा वेट लूज हो गया बट बेली पे बहुत बचा है। सो मुझे कोई भी शॉर्ट बहुत अच्छी फिटिंग नहीं देता, बट दिस आई लव, दिस इज अ न्यू रिलीज फ्रॉम H&M जो मैंने अभी मंगवाया एंड ये लकीली कल आ गया। मुझे लग रहा था पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बट ये कल आ गया एंड दीज फिट मी लाइक अ ग्लव। आई लव 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 दीज। सो मैं जो जो है रील्स डालूंगी ऑन इंस्टाग्राम ये सब पहन के, सो यू कैन चेक इट आउट। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज पर्की मेक्स व्लॉग। आई एम नॉट श्योर मैं करूंगी कि नहीं, बिकॉज इट्स अ वीक लॉन्ग वेकेशन एंड आई जस्ट वॉन्ट to you know chill and relax, but मैं रील जरूर डालूंगी अपने आउटफिट्स के ऑन इंस्टाग्राम, सो यू कैन चेक इट आउट देयर। सो ये तीन शॉर्ट्स जो है आई एम कैरिंग विद मी टू गोवा। इसके अलावा आई एम कैरिंग दीज टाइप ऑफ लूज पैंट्स, बहुत ही लाइट वेट मटेरियल की है एंड दीज आर ऑल्सो फ्रॉम H&M। अगेन आई गॉट अ ग्रेट डिस्काउंट ड्यूरिंग द सेल पीरियड, तो इसके साथ भी मैं पहनूंगी। अब मैं शॉर्ट्स और पैंट्स के साथ क्या पहनूंगी, आई विल वेयर क्रॉप टॉप्स। सो मैंने लिया है ये क्रॉप टॉप, अगेन मैंगो से लिया है, ये उसी शॉर्ट्स के मैचिंग का, बट इसको मैं उस शॉर्ट्स के साथ नहीं पहनूंगी, इसको मैं अलग से पहनूंगी विथ समथिंग एल्स जो मेरा मिक्स एंड मैच माइंड में है। सो आई वॉन्टेड टू वेयर लाइक रियली नाइस प्रिंट्स फॉर माई बीच वेकेशन, तो मुझे ये प्रिंट बहुत पसंद आया इसलिए मैंने इसे टॉप भी ले लिया एंड शॉर्ट्स भी ले लिए। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मैंगो। इसके अलावा आई गॉट दिस क्रॉप टॉप, ये एक स्कार्फ क्रॉप टॉप है विच आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा। सो दिस इज ऑल्सो रियली प्रिटी, ये ब्लैक पैंट्स पिंक पैंट्स जो मैंने दिखाई थी लाइट वाली, उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगेन मैंने बोला ना, अगर नीचे का जो है आपका जो बॉटम है वो लूज फिट है, तो ऊपर जो है क्रॉप टॉप पहनिए, तो ओवरऑल लुक बहुत ही बैलेंस आउट और स्टाइलिश लगेगा। अगर ऊपर भी आप बैगी टी शर्ट पहन लेंगे तो ओवरऑल लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं, फिर वो शैबी लगेगा। सो दैट्स अ टिप फ्रॉम माई साइड, स्टाइल टिप। सो लॉट्स ऑफ क्रॉप टॉप्स आई एम पैकिंग विच आई विल मिक्स एंड मैच, लाइक दिस इज ऑल्सो अ क्रॉप टॉप। लॉट्स ऑफ क्रॉप टॉप्स जो है मैं रख रही हूँ। आई ऑल्सो हैव दिस क्रोशे टॉप जो मैंने बहुत साल पहले शीन से लिया था, तो ये भी मैं पहनूंगी। सो आई एम कैरिंग लूज फिट शॉर्ट्स हाई वेस्ट, आई एम कैरिंग हाई वेस्ट लूज फिट पैंट्स एंड उसके साथ बहुत सारे जो है क्रॉप टॉप्स। एंड आई एम ऑल्सो कैरिंग दिस काइंड ऑफ क्रॉप टी शर्ट, स्टाइलिश
जुलूस फिट होती हैं, शॉर्ट्स के साथ अच्छी लगेंगी। सो आई विल वेयर दिस ईदर विद शॉर्ट्स और पैंट्स, तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो जाएगा क्योंकि काफ़ी दिनों के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए आई एम कीपिंग पीसेस जिसको मैं मिक्स एंड मैच कर सकूँ। नेक्स्ट आई एम कीपिंग लॉट्स ऑफ ड्रेसेस, सो लेट मी जस्ट शो यू। सो फर्स्ट वन इज दिस ड्रेस, दिस इज़ अ वेरी प्रिटी ड्रेस दैट आई गॉट रिसेंटली फ्रॉम H&M। ये एक्चुअली सेम सेम सा कलर हो गया ना शॉर्ट्स का, पैंट्स का, और इसका आई डोंट नो एक कोइंसिडेंस है, बट इन सबको मैं पेयर करूँगी विद डिफरेंट एक्सेसरी, सो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट ड्रेस जो है, इट इज दिस ड्रेस, इज एन ओल्ड ड्रेस फ्रॉम ज़ारा। आई लव द प्रिंट एंड द कलर, मुझे बहुत अच्छी लगती है वाली ड्रेस। And I recently got this dress from H&M. ये भी कल ही आया, so I'm so happy. This is a very nice color. और इस टाइप के जो क्रॉप टॉप शॉर्ट्स, क्रॉप टॉप पैंट्स एंड इस तरह की ड्रेसेज है, इसके साथ मैं पहनूंगी शर्ट्स, यू नो, ओवरले करने के लिए, तो दैट विल लुक रियली स्टाइलिश एंड बैलेंस आउट द होल लुक। तो अगर आप भी कंफर्टेबल नहीं है वेयरिंग जस्ट यू नो स्ट्रैपी टॉप्स विद शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग या स्ट्रैपी ड्रेसेस, सो यू कैन वेयर अ नाइस श्रग ओवर इट और अ शर्ट ओवर इट, तो ओवरऑल बैलेंस भी जाता है, स्टाइलिश भी लगता है। सो आई एम कैरिंग 3 शर्ट्स विद मी। सो वो जो मेरे ऑरेंज ऑरेंज वाले जो हैं, क्या नाम है, जो क्रॉप टॉप्स हैं, शॉर्ट्स हैं, उन सबके साथ मैं ये वाली शर्ट लूँगी। आपको ना इंस्टाग्राम पे देख के पता चलेगा, पिक्स देख के कि कैसा लगेगा। अभी आपको दिख रहा होगा, लग रहा होगा ये कैसी शर्ट ले जा रही है, बट इसको मैं ओपन करके लूँगी। एंड आई एम कैरिंग दिस लूज शर्ट विच इज़ सारी ओवर साइज शर्ट्स हैं। सो दिस इज़ द पिंक वन जो पिंक्स के साथ चलेगी, एंड दिस इज़ अ वाइट वन जिसको मैं सोच रही हूँ अपनी ग्रीन ड्रेस के साथ पहनूंगी। सो फाइनली जब करूँगी रील्स में आप देख लेना ऑन इंस्टाग्राम। और आई एम कैरिंग ओनली वन स्कर्ट विद मी जिसको मैं अपने मैंगो वाले क्रॉप टॉप के साथ पहनूंगी। दिस विल लुक रियली नाइस। आई वॉन्ट टू वेयर लाइक रियली नाइस पॉप ऑफ कलर्स ऑन द बीच, लाइक येलो, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन। मैं बोरिंग कलर्स बिल्कुल नहीं पहनना चाहती रेगुलर। आई लव टू वेयर प्रिंट्स एंड यू नो कलर्स ऑन बीचेस, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। नेक्स्ट आई एम कैरिंग सम टैंक टॉप्स लाइक दिस क्यूट टॉप जिसको मैं अगेन अपने शॉर्ट्स के साथ पेयर करूंगी। सो दिस इज अ नाइस टैंक टॉप्स के स्ट्रैपी स्पेगेटी टॉप्स और ये सब मैं रख रही हूँ। सो दिस इज प्रीटी मच जो मैं रख रही हूँ अपनी वेकेशन के लिए फॉर क्लोदिंग। नाउ नेक्स्ट स्किन केयर, आई एम कैरिंग माई डीओ बिकॉज बीचेस पे गर्मी होती है तो यू नीड सम नाइस फ्रेगनेंस। सो मैंने निविया का फ्रेश कम्फर्ट मंगाया था कल ही अमेजोन से, मुझे उसकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी लगी। देन आई एम कैरिंग ऑफकोर्स सनस्क्रीन, उसके बिना तो बीचेस पे अब जा ही नहीं सकते। So this is Neutrogena Ultra Sheer Dry Sunblock SPF 50+. So these two are essentials for beaches. Next, sunglasses of course. Sorry. So I am carrying 2-3 sunglasses. So kuch pop of colors like ye pink color mein. This will look really nice with my outfits. And then I am carrying my white sunglasses. ये भी कुछ कुछ ड्रेसेस के साथ आते हैं, ग्रीन वाली के साथ पहनूंगी मैं। अभी सब सोचा है, लेट्स सी किस में पहनते हैं किस में नहीं पहनते हैं। और एक मेरे क्लासिक ब्लैक वाले में रखी हूँ। सो 3 सनग्लासेस आई एम कैरिंग। नाउ मूविंग ओवर टू रियली इंटरेस्टिंग पार्ट, एक्सेसरीज। जितने भी आउटफिट्स हैं अगर इसको अच्छी एक्सेसरीज के साथ ना पहने तो ओवरऑल लुक उतना अच्छा नहीं बन पड़ता। सो आई हैव गॉट सम रियली नाइस बीच एक्सेसरीज फ्रॉम H&M एंड Myntra, सो लेट मी शो यू दैट। ऑफ कोर्स आई एम कैरिंग माय हैट विद मी। No beach vacation without a nice hat. ये मेरी बहुत पुरानी हैट है जो मैं हमेशा बीच वेकेशन पहनती हूँ। एंड देन लेट मी शो यू व्हाट आई हैव पैक्ड फॉर माय एक्सेसरीज एंड ऑल्सो काइंड ऑफ अ मिनी एक्सेसरी हॉल, क्योंकि ये कल ही सारा आया है। सो दीज आर नाइस इयररिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम Myntra। Myntra पे कोई ब्रांड था, आई डोंट रिमेम्बर, तो मैं लिंक कर दूंगी जितना भी मुझे मिलेगा। दीज आर रियली नाइस पफ ऑफ नियॉन ग्रीन जो है ये इयररिंग्स है, लव 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 इट। Then I got necklaces. This is a colored beads kind of a necklace. This is a nice heart-shaped necklace. बहुत अच्छा लगेगा ये जो ये सब dresses हैं इनके साथ. And then third, I got this necklace. सब H&M से हैं. So this is a really nice beads kind of necklace. And this ring set is also really really cute. बहुत अच्छी लगेगी ये पहन के, ring मैंने पहन के already देख ली है. And ये 2 big rings I got from Myntra Mango. और ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. So you can see these nice nice rings. तो ये सारी ड्रेसेस पे काफ़ी अच्छे जाएंगे। आई ऑल्सो गॉट माई नेल्स डन। मैंने जो है ब्लूश कलर में अपने नेल्स जेल नेल पेंट करवाए हैं ताकि मुझे कोई चिंता ना रहे, 7-8 दिन मेरे नेल्स जो है चिप ना हो। सो दीज आर गोइंग रियली नाइस एंड दीज आर वाइबिंग फॉर माई बीच वेकेशन, राइट। ऑल्सो आई गॉट दी सुपर प्रिटी इयररिंग्स जो मेरी पिंक ड्रेस के साथ या पिंक आउटफिट्स जो मैंने आपको दिखाए थे उनके साथ बहुत अच्छा जाएगा। दीज आर काइंड ऑफ फ्लोरल रेजिन इयररिंग्स। रेजिन इयररिंग्स बहुत फैशन में आजकल और बीच वेकेशन पे काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये पानी से खराब भी नहीं होते। देन आई
गॉट दीज इयर रिंग्स अगेन फ्रॉम मिंत्रा. सो मिंत्रा से भी मैंने काफ़ी इयर रिंग्स मंगवाए हैं और कुछ मैंने H&M से मंगवाए हैं. सो दीज आर द इयर रिंग्स, ये भी बहुत प्रिटी लगेंगे विद द पिंक आउटफिट्स. एंड ये मेरे ओल्ड इयर रिंग्स हैं दैट आई एम कैरिंग. दीज आर फ्रॉम ज़ारा, ये मैंने बहुत पहले लिए थे. एंड दीज आर रियली फंकी और ये यू नो इस तरह के फंकी इयर रिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं बीच वेकेशन पे. और इनको मैं पहनूंगी विद द येलो स्कर्ट एंड द ऑरेंज मैंगो क्रॉप टॉप. सो मैंने सारी स्टाइलिंग कर ली अपने मन में कि मैं क्या क्या पहनूंगी. एंड दीज आर द लास्ट इयर रिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम मैंगो फ्रॉम मिंत्रा. सो मैंगो अगर आप देखिए उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है ऑन मिंत्रा एंड दैट इज़ बिकमिंग माई फेवरेट थिंग ऑन मिंत्रा राइट नाउ. 40-50% डिस्काउंट मिलता है एंड एवरीथिंग लुक्स रियली रियली अमेजिंग. सो आई थिंक आई हैव प्रीटी मच समड एवरीथिंग. द आउटफिट्स आई एम कैरिंग, द स्किन केयर आई एम कैरिंग एंड एक्सेसरीज दैट आई एम कैरिंग. ऑल्सो आई बी कैरिंग अ लिटल बिट ऑफ मेकअप, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट लिपस्टिक कंसीलर इधर उधर का. सो वो मैंने अभी तक पैक नहीं किया है बट यू ऑल नो व्हाट आई कैरी. मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया था कि व्हाट आई डू फॉर माय ट्रैवलिंग मेकअप. सो यू कैन चेक दैट वीडियो आउट. ओ बिफोर वी साइन अप आई फॉरगॉट टू शो यू द स्ट्रैपलेस ब्रा दैट आई एम कैरिंग टू वेयर विद ऑल माई आउटफिट. सो दिस इज अ ब्रा विच गोज विद एवरीथिंग. तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या पहने यू नो अंडर गारमेंट्स ऑन बीच एरिया जो सब पे चल जाए, सो यू कैन वेयर दिस काइंड ऑफ स्ट्रैपलेस ब्रा. वो स्ट्रैपी ट्यूब ड्रेसेस, ट्यूब टॉप्स, क्रॉप टॉप सबके साथ चलता है एंड स्ट्रैप नहीं दिखते हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम कैरिंग. एंड ऑल्सो फॉर द फुटवेयर आई एम सॉरी लाइट थोड़ी कम होगी बिकॉज आई एम शूटिंग इन नेचुरल लाइट. आई जस्ट don't want to you know put so much time into lighting and everything. So these are the chappals that I'm carrying. These sandals are rubber wale because beaches pe don't even think of carrying the leather sandals, wo bilkul kharab ho jayenge. So is tarah ke rubber wale aap le sakte hain. I got this from the local market for about 450. So ye jo hai sandals hain. And I got these flip-flops, rubber wale. These are for 350 just from local markets. I wanted in different colors like, neon green and yellow, but wo mujhe mile nahi. Dono hi coincidentally pink color mein mil gaye, but okay. कोई बात नहीं. सो गाइज आई होप आपको ये मिनी हॉल एंड व्हाट आई एम पैकिंग फ्रॉम माय बीच एंड एवरीथिंग जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो. एंड नेक्स्ट आई विल मीट यू मे बी ऑन गोवा इन सम वीडियो और या फिर आई बी बैक इन यू नो शूट मोर वीडियोज. एक्चुअली मैं जाने से पहले 2-3 वीडियो शूट करना चाहती थी और स्केड्यूल करना चाहती थी ताकि आप लोग मुझे मिस ना करें, लेकिन एक्चुअली घर में बहुत हॉचपॉच था और मैं कर नहीं पाई कुछ भी. एंड सैडली यार मुझे ऐसा लगता है कि घर पे रहने के ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं कि आप घर पे जब काम करते हो तो आई एम फीलिंग कि काम बहुत कम होता है. आई एम लेटली फीलिंग कि अगर कहीं और मेरा शूटिंग स्पेस होता तो वहां जाके मैं शूट कर लेती और मेरे टाइम पे काफी सारा कंटेंट आता. सो दीज आर आई थिंक डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम. So I'm little disappointed because of that ki main video shoot nahi kar paayi because of the hodgepodge, but okay, that's life. So guys, this was all about today's video. I hope you all liked it. Main sari outfits ko pehen ke Instagram pe dalungi, so you can check out there. My Instagram handle hai Perky Makes. I will put up some fashion reels definitely there, some get ready with me. So guys, milti hu aapko agle interesting video mein. Feel beautiful, be stylish, bye bye.